बरेली जिला जेल में बंद अशरफ और फरार सद्दाम के मामले में दर्ज मुकदमे और अन्य आरोपों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने खुशबू एनक्लेव के उस मकान को सील कर दिया है जिसमें सद्दाम वर्षों से रह रहा था। उधर घर की तलाशी के साथ ही पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई है। बता दें कि एसआईटी राहुल भाटी और विवेचक सीओ थ्री आशीष प्रताप सिंह के साथ एसआईटी के सदस्य बरादरी इज्जत नगर व विथरी पुलिस खुशबू इनक्लेव पहुंची। वहां टीम ने हसीन के मकान के उस हिस्से की तलाशी ली जिसमें सद्दाम रहता था। मकान मालिक हसीन ने एक कमरे में अपने बैग और कुछ नकदी चोरी का आरोप भी सद्दाम पर लगाकर रिपोर्ट कराई थी। इस लिहाज से पुलिस ने इसे घटनास्थल मानकर सरकारी ताला लगा दिया है। सील लगाकर बकायदा लोगों को बता दिया है कि मकान में कोई भी गतिविधियां गैर कानूनी होगी। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर सद्दाम और उसके गुर्गों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है। पुलिस को इसमें अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। एसपी सिटी के निर्देश पर पुलिस टीम ने नामजद आरोपियों के घर दबिश भी दी है। वही थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जेल में बंद अशरफ को नामजद आरोपी बना दिया है। पुलिस अब अशरफ से भी पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। इससे पहले प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के सबूत भी मिलने की उम्मीद है। पुलिस सोमवार को अशरफ को कोर्ट में तलब कराने के लिए आवेदन करेगी, साथ ही उसे रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है। नामजद आरोपियों में सद्दाम और लल्ला गद्दी फरार हैं। विवेचक आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस सोमवार को इनके गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिए कोर्ट में आवेदन करेगी। देखिए, बरेली स्थित फाइक एनक्लेव है जहाँ पर जो अभियुक्त सद्दाम है यहाँ पर किराए पर रहता था, और इस संबंध में एक 420 467 68 का मुकदमा थाना बारादरी पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें बिना किसी आईडी के और बिना किसी रेंट एग्रीमेंट के ये व्यक्ति रह रहा था, जिसमें मकान मालिक के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया।